हाय एवरीवन आज मैं आपको बताऊंगी कि आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टॉक बहुत साइडवेज रह रहे हैं और मार्केट मतलब निफ्टी फिफ्टी एक छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है अच्छे मूव नहीं दे रहा बल्कि आज काफ़ी दिनों बाद छोटा सा मूव आया है अप साइड पर ठीक है तो आप यहाँ पर दो चार्ट देख रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चार्ट है फेब मार्च अप्रैल के बीच का आप कैंडल्स देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी लॉन्ग लॉन्ग है मतलब एक डायरेक्शन में अच्छे खासे मूव आए हुए हैं ठीक है बड़े बड़े डायरेक्शनल मूव है बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं So, ये अब क्यों नहीं हो रहा अब ये छोटे छोटे कैंडल्स क्यों हो रहे हैं ठीक है ठीके? क्योंकि मार्केट में डर कम है इसलिए एग्रेसिवली बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही ठीक है तो ये हम कैसे पता लगाएं कि आज मार्केट कैसा रहेगा या फिर डायरेक्शनल मूव अच्छा देगा या नहीं देगा तो वो सब डिपेंड है विक्स पे विक्स क्या है विक्स क्या है विक्स क्या होता है विक्स को डर का इंडेक्स फियर इंडेक्स भी कहा जाता है इट मीन्स मार्केट में डर होगा तो वो एग्रेसिवली बाइंग और सेलिंग होगी मार्केट में सो so, जब विक्स में जब विक्स कम होता है इट मीन्स विक्स अगर 14 से नीचे है इट मीन्स मार्केट में डर नहीं है अगर विक्स 14, 15, 16, 17 इस रेंज के ऊपर जाता है तब विक्स बढ़ता जाता है और विक्स में एग्रेसिवनेस मतलब डर बाइंग और सेलिंग एग्रेसिवली स्टार्ट होती है ठीक है तो जब भी विक्स हाई होती है मतलब डर होता है लोगों में सिक्सटीन से ऊपर जब जाना स्टार्ट करता है तब एक अच्छे मूव दिखने को मिलते हैं हमें और 20 के बाद तो बहुत अच्छे अगर विक्स 20 के ऊपर चला जाए तो रोज़ हमें ऐसी ही कैंडल्स दिखाई देंगी और अगर विक्स कम है तो छोटे छोटे कैंडल्स दिखाई देंगे मतलब साइडवेज जाएगा मार्केट इस विक्स पे आप पूरे साल का ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं मतलब जब विक्स ज़्यादा है मैं रिस्क ज़्यादा लूँगा जब विक्स कम है तब मैं स्विंग ट्रेडिंग करूँगा विक्स जब कम होता है तब क्या होता है मार्केट साइडवेज टू बुलिश रहता है मतलब मार्केट साइडवेज जाता है और बुलिश हो जाता है इट मीन्स जब भी विक्स 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 का चार्ट होता है प्रॉपर आप देख सकते हो विक्स जब हाई से लो पे जाता है सपोज विक्स था ट्वेंटी टू ठीक है और वो जब डाउन ट्रेंड उसका स्टार्ट होता है ट्वेंटी पे आया एटीन पे आ रहा है आप तब स्विंग ट्रेड ले सकते हैं मतलब बाय कर सकते हैं और एक प्रॉपर ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं मतलब बाइंग साइड स्विंग ट्रेड बहुत अच्छे रहेंगे जब मार्केट डाउन मतलब विक्स जब डाउन साइड जा रहा होगा ठीक है और मार्केट अप साइड जा रहा होगा जब विक्स अप साइड जा रहा होगा मार्केट डाउन साइड जा रहा होगा इसका मतलब है कि विक्स जब कम है आप उसमें कम रिस्क लोगे जब विक्स ज्यादा है इंट्राडे में आप विक्स रिस्क ज्यादा ले सकते हो विक्स कम है तब आप स्विंग ट्रेड्स ले सकते हो विक्स कम है तब आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो क्यों क्योंकि ऑप्शन बायर्स को कम प्रीमियम में ट्रेड करके ज़्यादा प्रीमियम मतलब बढ़ना पसंद है सो ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं जब विक्स कम है आप कोई ऑप्शन बाय करके रखो और एक कैप मूव कैप्चर करो स्टॉक में या फिर इंडेक्स में भी आपको एक दिन मिलेगा जब डायरेक्शनल मूव आएगा तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो विक्स जब बढ़ जाता है तब प्रीमियम हाई हो जाते हैं तब सेलिंग के लिए बहुत आ, अच्छे प्रीमियम्स मिल जाते हैं ठीक है डीके के लिए आपको प्रीमियम्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं सो so, आप विक्स के ऊपर पूरे साल का ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो और इसके हिसाब से रिस्क प्लान कर सकते हो इवन ट्रेडिंग भी प्लान कर सकते हो आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगा सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग